अंजड़ में भाटी परिवार द्वारा देहदान संपन्न कराकर पेश की गई मिसाल। सोहनबाई पति उदय सिंह का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके छोटे भाई डॉक्टर भारत सिंह भाटी, भतीजे देवेंद्र सिंह भाटी और योगेंद्र सिंह भाटी ने अंजड़ के समर्पण सेवा समूह के माध्यम से देहदान कर एक मिसाल पेश की। स्वर्गीय सोहनबाई का मृत शरीर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय को सौंपा गया है, जिसमें सोहनबाई की आंखें, त्वचा सहित शरीर के अंग जरूरतमंद मरीजों के शरीर में प्रत्यर्पित किए जाएंगे और उनका मृत शरीर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानव शरीर के अंग के बारे में जानकारी देने के काम आएगा। सोहनबाई ने समर्पण सेवा समूह के देहदान कार्य से प्रभावित होकर खुद देहदान करने का संकल्प लिया था। इतना ही नहीं, भाटी परिवार के 3 सदस्यों ने भी देहदान करने का संकल्प ले रखा है। विदित हो कि अंजड़ में यह तीसरा देहदान संपन्न होकर क्षेत्र के लिए अंजड़ मिसाल बना है। इंदौर जाएगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके साथ में? देहदान जैसा हो रहा है तो क्या ये मानव सेवा से जुड़ा हुआ है? एकदम मानव सेवा से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जिन आर्गनों की आवश्यकता होती है उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सुलभता से मिल जाए इसके पीछे ये उद्देश्य है। और जो जला देते हैं तो सारा शरीर नष्ट हो जाता है। इसके बाद ये शरीर जो है एक मेडिकल साइंस में एक पुस्तक का काम करता है। विद्यार्थियों को एक पुस्तक मिल जाती है जिससे वो उसका अध्ययन कर पाता है।